कुछ दिन पहले दिल्ली के लोगों ने मिलके प्रदूषण के खिलाफ एक महाअभियान शुरू किया था, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसमें आने वाले समय में हम सब मिलके बहुत सारे काम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, ट्री प्लांटेशन है, पराली से निपटने का की बात है, बहुत सारे हमने काम कहे थे। उसी में एक कंपोनेंट था ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। आज कैबिनेट की सुबह हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी गई है। दिल्ली में अपने बहुत घने पेड़ हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अलग अलग विकास कार्यों के लिए कई बार पेड़ काटने मजबूरी बन जाती है। अभी तक पॉलिसी ये होती थी कि अगर एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले में कॉम्पेंसेटरी 10 पौधे लगाए जाएंगे। अब पेड़ तो था इतना ऊंचा, 400 साल पुराना, 500 साल पुराना, प्रकृति ने कितना उसको संजो के इतना बड़ा बनाया था, और हम छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं 10। उससे बात तो नहीं बनती। पेड़ पेड़ वो 10 पौधे पता नहीं अब कितने टाइम में बड़े होंगे। तो अब आज हमने एक पॉलिसी पास की है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। दिल्ली पूरे देश में पहला प्रदेश है जहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की गई है। इसमें हमने कहा है कि कॉम्पेंसेटरी एक पेड़ कटेगा तो कॉम्पेंसेटरी 10 पौधे तो लगाने ही लगाने हैं, उसके एडिशन में उस पेड़ को काटना नहीं है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उस पेड़ को नीचे से खोद के पूरे पेड़ को खोद के लिफ्ट करके ट्रक में डाल के दूसरी जगह आरोपित किया जा सकता है, दूसरी जगह उसको लगाया जा सकता है। इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें 80% पेड़ कम से कम ट्रांसप्लांटेशन किए जाएंगे, और जो पेड़ ट्रांसप्लांटेशन किए गए उनका 80% कम से कम जीवित रहने चाहिए।